प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद जैन मंदिर आगरा गेट में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित बाल प्रशिक्षण संस्थान में निःशुल्क शिक्षा ले रहे 30 छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा सामग्री के साथ साथ बच्चों को सर्दी से बचने के लिए स्वेटर टोपी बांटी गई। अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, संचालिका श्रीमती सपना शर्मा ने बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें, स्कूल जाने के लिए नया बैग और ड्रेस वितरण की, जिसमें जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं गरीबी के कारण उनको बाल प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा शिक्षा देने का कार्य बाल प्रशिक्षण संस्थान अग्रिम भूमिका निभा रहा है। साथ में महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मिशन शक्ति योजना के चलते संस्थान के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि के रूप में डूडा विभाग के सुभाष वीर सिंह राजपूत द्वारा स्वयं सहायता समूह गौतम नगर हिमाऊपुर की सभी महिलाओं को सम्मानित किया और साथ में पीओ डूडा ने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कुछ टिप्स भी दिए। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष श्रीमती पूनम राठौर, प्रबंधक सचिव श्रीमती साधना सिंह, संस्थान संचालिका श्रीमती सपना शर्मा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता स्वराज सिंह की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। सर, आज जो गरीब बच्चों को किताब कॉपी वितरण किए गए हैं, किस तरह का कार्यक्रम किया गया? आप सभी अवगत हैं कि समाज में अनेक सहयोगी संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं ज़रूरतमंदों की मदद करती रहती हैं। तो ये बाल प्रशिक्षण संस्थान जो श्री धर्मेंद्र सिंह द्वारा संचालित किया जा रहा है, उन्होंने जो है आह्वान किया कि भाई गरीब ज़रूरतमंदों की मदद के लिए कुछ प्रयास किया जाए। तो डीके सिंह जी के द्वारा ये बच्चों को किताबें, स्वेटर और टोपी ये वितरण की गई है। साथ ही ये जो हमारी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, डूडा की जो योजना है, उसके अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह का गठन जो किया गया था, और एक अच्छा कार्य किया है। और एक 500 रुपये महीना, यानी कि 5000 प्रति महीना, 500 रुपये सदस्य से 5000 रुपया प्रति महीना ये बचत कर रही हैं। इनका जो आपस में तालमेल है, आपसी जो सद्भाव है, ये निसंदेह प्रशंसनीय भी है, सराहनीय भी है। और इसी सराहना को प्रदर्शित करने के लिए इन लोगों को ये प्रमाण पत्र दिया गया है, ताकि जो ये प्रमाण पत्र मिलकर इनके जब घर में लगेगा तो इनका उत्साह वर्धन होगा, और जब ये इनके घर पे इनके रिश्तेदार, इनके पड़ोसी कोई आएंगे तो जिज्ञासा बस पूछेंगे कि ये क्या है। उस प्रमाण पत्र से इनकी हौसला अफजाई होगी और लोग भी इससे जुड़ेंगे, सरकार की योजना का प्रचार प्रसार भी होगा और इन लोगों में भी प्रोत्साहन की और जागरूकता की